हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं बैठा हूं ट्रेन में। जी हाँ, ये है एसी का फर्स्ट क्लास कोच। और क्या फैसिलिटीज होती है, क्या सुविधाएं, क्या इसमें कैटेगरी होती है, वो सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको एसी फर्स्ट क्लास के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है कि कैसा कोचेज होते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज होती है, तो इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। मैं बैठा हूँ इस टाइम कामाख्या LTT एक्सप्रेस। ये ट्रेन कामाख्या से लोकमान्य तिलक टर्मिनल तक जाएगी, हालांकि मैं जा रहा हूँ अपने होम टाउन कामाख्या से मिर्ज़ापुर तक का। तो आप मेरे साथ पूरे सफर में बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ घूमिए एसी के फर्स्ट क्लास कोच में और चलिए मिर्ज़ापुर तक। एसी फर्स्ट क्लास कोच का बाहर से लुक बाकी एसी कोचेस जैसा ही होता है। इसके अंदर साइड अपर या लोअर सीट नहीं होती है, बल्कि उसकी जगह आने जाने का रास्ता होता है और ये पूरी तरह से एयर कंडीशन होता है। एक कोच में 22 से 24 सीट्स होती है और ट्रेन के बाहर का शोर भी इसके अंदर बहुत कम आता है। तो एसी फर्स्ट क्लास कोच का ये केबिन कूप है। केबिन कूप कैटेगरी में दो सीट्स होती हैं और ऊपर अपर होती है, एक लोअर बर्थ होती है। साथ ही साथ मिरर वगैरह आपको मिल जाएगा और यहाँ डस्टबिन वगैरह लगे हुए हैं। इसकी जो मिरर होती है वो भी सेम साइज़ की ही होती है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। और यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह के लिए आपको अप एंड डाउन के लिए वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो सारी चीज़ें, बाकी चढ़ने के लिए जैसे सीढ़ियाँ वगैरह होती हैं वो दिया हुआ है। सोफा की तरह आपको कंफर्ट मिलेगा, तो उसकी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओवरऑल ये आपके लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन होगा, बाकी कभी चेन वैन खींचने का मन करे तो भी कर सकते हैं। और कर्टेन वगैरह लगे हुए हैं और इसको भी आप क्लोज कर दे सकते हैं। इसका जो डोर होता है, बाकी जो उससे होता है थोड़ा सा छोटा होगा, इसको भी आप क्लोज करके अपना पूरा रूम बना सकते हैं, पूरा केबिन आपका खुद का हो गया। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहता है। बट दो सीट्स इसमें रहेंगे, दो लोग इसमें बैठ सकते हैं। अब एसी फर्स्ट क्लास का ये केबिन वाला कोच है जिसमें टोटल चार सीट होती है, आपकी अपर दो साइड और लोअर दो साइड होती है। और इसमें क्या सुविधा होती है, इसमें आपको मिरर, जो जैसे आपको केबिन कूप में मिलता है उतना बड़ा मिरर नहीं होता है, छोटा सा मिरर होता है। और साथ ही साथ विंडो वगैरह तो वैसी ही होती है और यहाँ पे कर्टन होता ही है। डोर वगैरह थोड़े बड़े होते हैं, तो आप ओपन क्लोज करके अपना केबिन पूरा सुरक्षित कर सकते हैं। पूरा यहाँ सिटनी भी लगी रहती है, तो पूरी तरह से यह बंद हो गया है और कोई अंदर देख भी नहीं सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह के लिए लगा हुआ है, आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। हालांकि ये म्यूज़िक वगैरह नहीं प्ले होता है, क्योंकि चार अगर अलग अलग लोग बैठे हुए हैं तो किसी को नहीं सुनना है, किसी को सुनना है, तो उसमें डिस्टर्बेंस होगी, इसलिए वो बंद ही रहता है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे सुविधा जो टॉवल वगैरह की हो गई और ब्लैंकेट वगैरह है वो तो मिलेंगे ही, पिलो आपको मिलेगा, जो सारी सुविधा आपको सेकंड एसी और फर्स्ट एसी में मिलता है वो आपको इसमें भी मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे स्टेयर्स वगैरह लगी हुई है, तो स्टेयर्स के थ्रू आप ऊपर जा सकते हैं। बॉटल होल्डर यहाँ पे है और लाइट यहाँ पर भी एक दी गई है, मैं दिखा, ये भी यहाँ पे लाइट भी दी गई है, तो ये भी सुविधा है। और लाइट यहाँ पे एक है, स्विचेस वगैरह, अच्छा ये अटेंडेंट को बुलाना है तो आपके लिए यहाँ पे बेल भी लगी हुई है। और लाइट्स वगैरह, ये आपका एक दिया है ब्लू कलर की, नाइट लाइट जलानी है और सब बंद कर देना है तो ये भी है, और छोटी सी ये जलानी है केवल, तो ब्लू कलर की आपकी ये लाइट भी जल गई, तो काफ़ी यहाँ पे अब आपको अच्छा लग रहा होगा, ब्लू ब्लू लाइट जल रही है, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। और जैसे चार्जर वगैरह के लिए एक दो चार्जर के लिए दिया गया है, और तो कहीं पे ऐसा कुछ है नहीं। लाइट्स यहाँ पर भी है इसमें भी। और आपको थोड़ा सा कम्फर्ट और चाहिए तो आप इस जो सीट को है, जब आप बैठें या नहीं जब आप सोएं तब इसको पूरी तरह से बिछा सकते हैं और आराम से इस पर लेट सकते हैं। पिलो आपके पास है ही, पिलो आप लगा सकते हैं। तो ये सुविधा आपको फर्स्ट क्लास में मिलती है। इसका जो रेंट फेयर होता है वो आपका ओवरऑल लगभग फ्लाइट के फेयर के बराबर होता है, अलग अलग डेस्टिनेशन के हिसाब से अलग अलग। अब मैं कामाख्या से मिर्ज़ापुर तक जा रहा हूँ, लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास की टोटल जो
जर्नी है वो है, और इसका लगभग लग रहा है 3500 रुपीज़। तो पैसा काफ़ी ज़्यादा है इसमें, बट आपको सुविधा भी मिलेगी। यहाँ पे आपको जो व्यूज़ वगैरह है वो थोड़ा आराम लगेगा। और सबसे ख़ास बात, यहाँ पे जो स्पेस है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पे दिया गया है। जो आप सेकंड एसी थर्ड एसी में भी जाते हैं तो स्पेस की कमी होती है, बट यहाँ की जो सीट्स है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी चौड़ी है, चला देता हूँ इसको। और साथ ही साथ आपको काफ़ी मतलब जो लंबाई भी इसकी ज़्यादा आपको दिखती है, क्योंकि लंबाई इसलिए ज़्यादा है, आप देख रहे होंगे केबिन में जो आने जाने का रास्ता है वो काफ़ी पतला सा है, आने जाने के लिए काफ़ी है। और बाकी यहाँ पे तो आप कुछ चाहे तो लगेज वगैरह भी छोटा मोटा रख सकते हैं, और ये भी है यहाँ के लिए भी सुविधा है, बाकी सामान वगैरह के लिए वैसी ही है। तो ओवरऑल फर्स्ट एसी की भी सुविधा देखा जाए तो सेकंड एसी जैसा ही है, बट इसमें आपको स्पेस ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे देख रहे हैं ग्राउंड एरिया भी काफ़ी ज़्यादा है, स्पेस बहुत ज़्यादा मिलता है, और बैठने के लिए भी जो सीट्स वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिट रहता है फर्स्ट एसी में। और हालांकि कहा जाता है कि फर्स्ट एसी का जो किराया होता है, कहा क्या जाता है, होता भी है, वो फ़्लाइट के फेयर के बराबर का होता है। तो फ्लाइट के फेयर के बराबर की बात की जाए तो ठीक है, उतना तो होता है, कंफर्ट भी बट मिलता है। बट इसमें थोड़ा खाना पीना जो है वो इंक्लूड नहीं है इस ट्रेन में। अगर आप राजधानी वगैरह में जाते हैं तो उसमें खाना वगैरह भी इंक्लूड होता है, तो वो अगर आप बुक कराएं कभी राजधानी में तो ज़्यादा आपको सुविधा भी मिलेगी। इसके अपर बर्थ को भी आप चाहे तो मूव करके ऊपर की तरफ कर सकते हैं, जिसके बाद केबिन में आपको और भी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। गेट के पास इसके कुछ कोचेज में स्पेस ज़्यादा रखने के लिए वॉश बेसिन भी नहीं होता है। फर्स्ट क्लास कोच की जो सबसे बड़ी खास चीज है वो ये है कि आप इसमें शॉवर भी ले सकते हैं। जी हाँ, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये शॉवर लगा हुआ है और गीजर भी है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो नल वगैरह है, शॉवर है, हैंड शॉवर, जिससे आप यहाँ पे पानी वगैरह डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही सुविधाजनक चीज है जो फर्स्ट क्लास में ही आपको मिलता है। बाकी जैसे बेसिन होता है वो है, टॉयलेट वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बट पूरी तरह से बाथरूम आपका है। तो ये नहाने की सुविधा आपको, अगर लंबे सफर में आप हैं तो नहाने की सुविधा भी आपको मिल जाएगी। फर्स्ट क्लास कोच में टॉयलेट की बात करें तो जैसा कि सेकंड एसी या थर्ड एसी में होता है वैसा इसमें भी होता है, इंडियन स्टाइल में भी होता है और वेस्टर्न स्टाइल में भी आपको मिल जाएगा। टॉयलेट पेपर वगैरह होते हैं, बाकी मिरर आपको यहाँ पे बड़ा सा दिख रहा होगा, वॉश बेसिन वगैरह है, और बाकी यहाँ पे साबुन वगैरह भी रखा हुआ है। तो ये सुविधा आपको जैसी बाकी कोचेज में मिलती है वैसे ही रहेगी, लेकिन जो आपको बाथरूम की सुविधा मिलती है वो बाकी कोचेज में नहीं मिलती है। तो ये यूनिक चीज आपको बाथरूम की केवल फर्स्ट क्लास में ही मिलेगी। एसी फर्स्ट क्लास कोच के सीट्स की बुकिंग आप IRCTC की वेबसाइट या फिर ऐप के थ्रू बुक करवा सकते हैं। आप चाहे तो टिकट काउंटर से भी इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। कुल मिलाकर एसी फर्स्ट क्लास में आपके कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा जाता है, और फ्यूचर में इन कोचेज में और भी इम्प्रूवमेंट के प्लान हैं। तो एसी के फर्स्ट क्लास का आनंद एक बार ज़रूर लें, और वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।